दोस्तों आप सभी ने कभी ना कभी एक चीज तो जरूर सोचा होगा कि यार हमारा जो फेसबुक अकाउंट है, अगर हमने किसी भी गेम से उसे लिंक किया है, चाहे पबजी हो चाहे फ्री फायर, ठीक है, अगर हमारा जो फेसबुक अकाउंट है यहाँ पर कभी डिसेबल हो जाता है या कभी भी हमें कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है तो क्या हमारा जो फेसबुक अकाउंट यहाँ पर रिकवर हो सकता है या नहीं हो सकता। और साथ ही साथ ये भी आपको बताऊंगा कि अगर आपका जो गेमिंग का जो फेसबुक अकाउंट है, चाहे पबजी हो चाहे फ्री फायर, जिसमें भी आपने अपने फेसबुक अकाउंट को लिंक किया है, ठीक है, अगर वो जो फेसबुक अकाउंट है वो यहाँ पर डिसेबल हो जाता है तो इन केस कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है यहाँ पर वापस आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो कैसे आएगा, और नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है यार कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये मैटर नहीं करता कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो किसी से भी लिंक है, चाहे आप गेम की बात कर रहे हैं। अगर आपका जो फेसबुक अकाउंट है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने गेमिंग के लिए फेसबुक अकाउंट बनाया है और आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो कभी डिसेबल होता है तो इनेबल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यानी कि सिंपल सी कहें, आपका जो फेसबुक अकाउंट है, आपने एक गेमिंग के लिए फेसबुक अकाउंट बनाया है, ठीक है, चाहे आप पबजी खेलते हो चाहे फ्री फायर, ठीक है, आपने एक फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया है, राइट, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि अगर आपका जो फेसबुक अकाउंट है यहाँ पर न्यू है, ठीक है, तो न्यू है तो इनकेस आपको जो डिसेबल हो जाता है आपका फेसबुक अकाउंट, तो यहाँ पर सीधा गो टू कम्युनिटी स्टैंडर्ड वाले डिसेबल वाले प्रॉब्लम में आपको जो अकाउंट है वो यहाँ पर फंस जाएगा। अब आप सभी को पता है वहाँ से निकलने का सिंपल सा कोई रास्ता भी नहीं है, ठीक है। यानी कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है इस पोजिशन पर जाता है तो आपका जो फेसबुक अकाउंट है यहाँ पर रिकवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। और यहीं पर आपका जो फेसबुक अकाउंट है यहाँ पर ओल्ड है, आपने 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 तक कभी भी आपने अपने फेसबुक अकाउंट को क्रिएट किया है तो आपका जो फेसबुक अकाउंट है यहाँ पर अगर डिसेबल हो भी जाता है तो आपको वहाँ पर अपलोड योर आईडी का जो एक ऑप्शन है आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आप वहाँ पर अपना आईडी कार्ड जो सबमिट कर देते हो तो आपका जो फेसबुक अकाउंट है यहाँ पर बहुत आसानी से रिकवर हो जाता है। लेकिन गाइज आप सभी कमेंट करते हैं यार मेरा फ्री फायर का अकाउंट डिसेबल हो गया, ओपन नहीं हो रहा है, मैंने यहाँ पर डायमंड वो किए थे, आप बहुत सारे कमेंट करते हैं यार मैंने रॉयल पास किया था। तो भाई लोग कहने का यही मतलब है यार कि आपने अगर न्यू अकाउंट के साथ ये सब किया है, न्यू अकाउंट में अगर आपने यहाँ पर पैसा लगाया है तो आपको जो पैसा है यहाँ पर व्यर्थ जाने वाला है यार, आपका जो फेसबुक अकाउंट है यहाँ पर रिकवर नहीं हो सकता, ठीक है। तो गाइज आपको इस चीज़ को समझना है कि आपको यहाँ पर ओल्ड अकाउंट को ही अपने अपने फेसबुक मतलब आपका जो भी ओल्ड अकाउंट है उसको ही आपको अपने गेमिंग अकाउंट से आपको लिंक करना है, ठीक है। आपका जो फेसबुक अकाउंट है अगर ओल्ड है तभी आप उस पर पबजी या फ्री फायर का अकाउंट बनाइए, वरना मत बनाइए, ठीक है। न्यू अकाउंट तो आप यहाँ पर भूलकर भी मत बनाइए। अगर आप बनाते भी हैं तो न्यू अकाउंट तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप उसमें एक भी रुपए खर्च ना करें, ठीक है, क्योंकि इससे आपको ही दिक्कत होने वाला है यार, आपका ही अकाउंट रिकवर नहीं होगा तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर किसी भी अकाउंट पर आप ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि यार फेसबुक का भरोसा नहीं है, यहाँ पर न्यू अकाउंट को भी डिसेबल कर देता है, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो, फेसबुक का कोई भरोसा नहीं, यहाँ पर अकाउंट को डिसेबल कर ही देता है, ठीक है। तो गाइज यही था आपका आंसर, हो सकता है आपको आपका जो जितने भी डाउट है आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पर गेमिंग का जो अकाउंट बनाते हैं अगर आपका जो फेसबुक अकाउंट यहाँ पर डिसेबल हो जाता है तो आपका इनेबल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि आपने अपने फेसबुक अकाउंट को किस चीज़ से लिंक किया है, ठीक है। अगर आपका जो फेसबुक अकाउंट यहाँ पर न्यू है और गो टू कम्युनिटी स्टैंडर्ड वाले डिसेबल वाले प्रॉब्लम में जाता है तो 100% आपका जो फेसबुक अकाउंट है यहाँ पर रिकवर नहीं हो पाएगा, ठीक है, चाहे आपने उसे गेमिंग के लिए बनाया हो चाहे किसी भी रीजन से हो। ये चीज आप जरूर देख लीजिए कि आप जब भी न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसमें एक वैलिड फोन नंबर और एक ईमेल आईडी जरूर से लिंक हो, ठीक है। अगर आप गेमिंग के लिए न्यू अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। पहला, आप जो भी नंबर से आप अपना जो फेसबुक अकाउंट उसको यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं तो उस नंबर से ऑलरेडी किसी अकाउंट लिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है, उस नंबर से ऑलरेडी कोई फेसबुक अकाउंट बना नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तभी आपका जो फेसबुक अकाउंट है यहाँ पर स्ट्रांग रहेगा, वरना तुरंत ही डिसेबल हो जाएगा। आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं, आपका जो फेसबुक अकाउंट है यकीन मानिए 1 से 2 दिन के अंदर डिसेबल हो ही जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको सबसे पहले तो अकाउंट बनाने के बाद आपको उससे अनलिमिटेड फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको अपने फेसबुक अकाउंट पर यानी कि अपने फेसबुक अकाउंट को यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके देखते रहना है कि मेरा जो फेसबुक अकाउंट है यहाँ पर डिसेबल हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। आपको अपने फेसबुक अकाउंट पे बहुत समय से आपको एक्टिविटी करते रहना है, आपको अपने फेसबुक अकाउंट पे यहाँ पर नजर रखते रहना है, ठीक है।
तो गाइस अगर आपको जो फेसबुक अकाउंट है यहाँ पर डिसेबल नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है यार, आप उसे बहुत आसानी से अपने गेमिंग चैनल पर आप उसे मतलब आप अपने गेमिंग अकाउंट पर इसे लिंक कर सकते हैं और यहाँ पर आप जो भी कर सकते हैं यार, अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो फेसबुक अकाउंट है यहाँ पर डिसेबल नहीं होगा, लेकिन आपको इस चीज़ को कर ही लेना है, ठीक है। अगर आप न्यू अकाउंट बना रहे हैं तो आपको ये एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है, वरना आप ये सोच रहे हैं कि मैंने न्यू अकाउंट बना दिया डिसेबल नहीं होगा और आप यहाँ पर पैसा लगाए जा रहे हैं तो इससे आपका ही घाटा है यार, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल पर नए होते यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो गाइस अगली वीडियो किस पर बनाया जाए नीचे कमेंट जरूर कीजिए। तो गाइस बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में।